रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के गांव सहबाजपुर डोर में बहू ने अपनी सास, जेठ, देवर और देवरानी पर दहेज की मांग करते हुए मारने और पीटने का आरोप लगाया है। बता दें कि बहू ने सास, जेठ, देवर और देवरानी पर दहेज की मांग करते हुए बेरहमी से मारने और पीटने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला ग्राम सहबाजपुर डोर का है, जहां राशिद का परिवार रहता है। राशिद चिनाई का काम कर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। उसकी पत्नी रहमत, जहां का आरोप है कि मेरे पति राशिद के काम पर चले जाने के बाद मेरी सास रहीसा, पत्नी सत्ता, देवर माजिद पुत्र सत्ता, शमशेर पुत्र सत्ता, नईमा पत्नी माजिद आदि आए दिन मिलकर मुझसे दहेज की मांग करते हैं और मेरे साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं, जबकि मेरा पति और मेरे बच्चे हम सब मिलकर खुश रहते हैं। पीड़ित रहमत, जहां ने सास, जेठ, देवर और देवरानी द्वारा बार बार मारपीट कर घर से निकालने की धमकियों से परेशान आकर कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर न्याय की गुहार लगाई है। रहमत जहां, कहां रहते हैं आप? सवाजपुर। बताइए क्या मामला है, आप थाने आए हुए? क्या नाम है उनका? एक का रहीसा है, एक का नबिया है, लड़के का, जेठ का, देवर का, दो का, एक का माजिद है, एक का शमशेर है और दौरानी का नई माँ है। अच्छा, माल क्यों मांगते हैं? माल कहते हैं कि मैं पानी पीने का प्याला न लाई तू। ताने देते हैं साहब, ताने दे, मैं कहते हैं पानी पीने का प्याला न लाई, इसे निकाल है सर, इन्हें चढ़ाते हैं, बोले इसे निकाल, हम दूसरी करवाते हैं, तेरे हम ना खपती ना आई। आपके साथ, आपके साथ जो खड़े हैं कौन है आपके? हमारे पति हैं। क्या नाम है आपका? राशिद। इन्होंने जो आरोप लगाया है आपके घर वालों पर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। तो आप उनसे ये बात करते नहीं है कि क्या मामला है आपका, आपको इस तरह से प्रताड़ित? मैं कई बार समझा चुका हूँ, वो लोग मानते नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, क्या कहते हैं? नहीं, नाम को भी नहीं मानते साहब, वो मेरे कहाँ चलन देते, नहीं चलन देते, हमारे डांट उठ के मार देती है। आपका परिवार अलग रहता है, उन्हीं के साथ रहते हैं? उनके सामने ही रहते हैं साहब, बिल्कुल एक ही द्वारा है। अच्छा, तो अब किस लिए आए हुए हैं आप यहाँ? उनके अपना जो है, अपना सिमल जाए। अच्छा, आ जाए कुछ लाइन पर ना, हमें दिक्कत है, जब हम परेशान करते हैं हमें बहुत ज़्यादा साहब, कई बार मानने के लिए आते हैं। आपने विवाद अपना घर में बैठकर नहीं सुलझाया? घर में बैठकर नहीं सुलझाया विवाद अपना घर का? सर, कई बार का वाक्य हो गया, एक दो बार का नहीं है, कई बार का हो गया सर। तो अब क्या चाहते हैं आप, यहाँ थाने में आए? थाने में किस लिए आए हैं आप? कार्रवाई करने के लिए आए हैं। अच्छा, प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपने यहाँ प्रार्थना पत्र दे दिया है? नहीं दे दिया प्रार्थना पत्र थाने में? प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।